नेता कैसे हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी कार्यकर्ता से विनती है, सभी को पहले तो इस जीत का श्रेय जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, उसके साथ साथ गोवा के प्रभारी और महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री नड्डा जी का भी अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने परिश्रम और मेहनत से इन पांचों राज्यों में प्रवास किया, प्रयास किए, परिश्रम किए। बहुत सारे कार्यकर्ता, प्रवासी कार्यकर्ता इस नाते इन राज्यों में गए और वहाँ के उन राज्यों के कार्यकर्ता और बाहर से आए हुए कार्यकर्ता, इन दोनों ने मिलाप करते हुए, संगम करते हुए बहुत ही भारी मात्रा में परिश्रम किए। कांग्रेस के माध्यम से आलोचनाएँ हुई, शिवसेना ने आलोचना की, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने साथ में मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी का पराभव हो ऐसे प्रयास किए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया विश्वास और आने वाले समय के आधुनिक भारत के निर्माण की पहल जो आज हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में बसी है, एक देशभक्ति, देश प्रेम, प्रामाणिकता और विकास और जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बातों में से झलकता है और उन्हीं बातों के माध्यम से वास्तविकता जो दिखती है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, मणिपुर जैसे क्षेत्र में विकास के माध्यम से हम आगे बढ़े, उत्तराखंड में भी विकास की गंगा आगे बढ़ रही है, गोवा में लगातार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये ऐसा कभी नहीं देखा था। 37 वर्ष के पश्चात उत्तर प्रदेश में पहले बार कोई राजनीतिक दल दूसरे बार सत्ता स्थापन करने जा रहा है और ये सब यश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का।